अगर मैं भी तुम्हारी तरह एक खूनी होती ना, तो मैं उसे मार चुकी होती। आंख के बदले आंख, खून के बदले खून, धोखे के बदले। धूम 4 को लेकर आया अपडेट, फिल्म से बाहर हुआ ये अहम किरदार। धूम फिल्म के कई सारे पार्ट बन चुके हैं जिनको दर्शकों ने काफी पसंद किया है। जहां फिल्म के पहले पार्ट में जॉन अब्राहम अभिषेक बच्चन को एक्शन करते हुए देखा गया था, तो वही फिल्म के दूसरे पार्ट में ऋतिक रोशन और अभिषेक बच्चन नजर आए थे, जबकि धूम 3 में आमिर खान ने डबल रोल किया था। फिल्म का तीनों पार्ट बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रहा था, जिसके बाद अब दर्शकों को इसके सीक्वल यानी धूम 4 का बेसब्री से इंतजार है। इस फिल्म की खास बात यह है कि फिल्म में विलन को मुख्य किरदार में दिखाया जाता है और फिल्म के हर एक पार्ट में बॉलीवुड के बड़े से बड़े सुपरस्टार को कास्ट किया जाता है। आमिर खान, जॉन अब्राहम और ऋतिक रोशन को कास्ट किया जा चुका है। अब फिल्म के चौथे पार्ट में किस एक्टर को विलन के किरदार में दिखाया जाएगा, इसको लेकर हर किसी के मन में सवाल है। धूम 4 को लेकर ताजा अपडेट सामने आई है। बता दें कि ऋतिक रोशन और जॉन अब्राहम की फिल्म धूम 4 के डायरेक्टर में बदलाव कर दिया गया है। धूम 4 को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने नए स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। अब धूम 4 को डायरेक्ट विजय कृष्णा आचार्य करेंगे। धूम फ्रेंचाइजी की चौथी किश्त में कौन सा बॉलीवुड का अभिनेता नजर आएगा, इसको लेकर सभी के मन में सवाल है, जिसको लेकर हर दिन किसी न किसी एक्टर का नाम सामने आता है। कभी कहा जाता है कि फिल्म में शाहरुख खान नजर आएंगे, तो वही कभी कहा जाता है फिल्म में मुख्य किरदार के रूप में सलमान खान नजर आएंगे। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ ये खबर वायरल हो रही थी कि धूम 4 में साउथ के सुपरस्टार रामचरण मुख्य किरदार में नजर आएंगे, लेकिन अब इन सब खबरों के बीच एक और एक्टर का नाम सामने आया है। ऐसा बताया जा रहा है कि फिल्म में अब विलन के किरदार में खतरों के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार नजर आ सकते हैं। तो वही धूम की हर एक पार्ट की तरह इस बार भी धूम 4 में अभिषेक बच्चन आदित्य चोपड़ा की जोड़ी नजर आने वाली है।